पूरी दुनिया से पास्टर्स थियोलॉजी स्टूडेंट्स और मंडली के सदस्य जिनकी आशा स्वर्ग का राज्य है आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरा नाम यू जे ह्योक है और मैं आज आपका होस्ट रहूँगा मैं सभी महिमा और आदर परमेश्वर को देता हूँ जिन्होंने हमें ये सिंचंद जी ऑनलाइन सेमिनार रखने का रखने की अनुमति दी तो आज की गवाही शुरू करने से पहले हम चलिए अपने दिलों को एकत्रित करें और प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करें हे परमेश्वर पिता जो परम पवित्र हैं हमें ये आज का जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद इस समय जितने भी लोग इस शिंचचर जी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं उनकी तुरक्षा कर और अपने भरपूर अनुग्रह उन्हें दे हमारे सिंचन जी के जो अध्यक्ष हैं और जो बारह गोत्र के प्रधान हैं जो मोहरित हैं वे आज इन सभी स्वर के राज्य के भेदों के बारे में सेमिनार के द्वारा पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया से पास्टर्स और सेमिनारी और बाइबल कॉलेजेस हमारे साथ सिंचर जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि ये तेरे सभी वादों की पूर्ति है जैसे कि तूने प्रकाशित वाक्य साथ में कहा था कि जो महान भीड़ उस क्लेश में से बाहर आने पाती है और जिनके जिनके पाप जो है यीशु से शुद्ध होते हैं ये सभी चीज़ें उन वचनों की पूर्ति है और हम इस समय ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के विश्वासी जन हम अपने दिलों को खोल सके और तेरे वचन को आज समझ सके तो आज ऐसा कोई ना हो जो सर के भेदों को प्रकाशित वाक्य को ना समझे। तो आज के इंस्ट्रक्टर की भी तो अगुवाई कर जो वचन की गवाही देंगे तो हम आज बहुत सारा अनुग्रह पाने पाए और बहुत सारे स्वर्गीय फल लाने पाए और इस सभी से तेरी महिमा हो हम सारी महिमा और आदर तुझे ईश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं हामेनचंद जी ऑनलाइन सेमिनार स्वर के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही और ये जो सेमिनार है हम पिछली बार से जारी रखते हुए हम आज पार्ट चौदह नया दाखरस नई मशक और जैतून का तेल इसके बारे में आज पढ़ेंगे तो आज के इस गवाही के वचन के माध्यम से हम आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग इस सच्चे भोजन को खाने पाएं और ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है वो भी हम जानने पाए और हम सब परमेश्वर के आशीष में भागीदारी लेने पाएँ तो हम इंस्ट्रक्टर का स्वागत करते हैं जो आज पत्रस गोत्र से हमें ये गवाही का वचन देंगे सभी पास्टर्स थियोलॉजी स्टूडेंट्स और मंडली के सदस्य जो पूरी दुनिया में स्वर्ग के राज्य की कामना करते हैं आप आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा आप सभी का अभिवादन मेरा नाम खंग खु है और मैं सेंटर का एक इंस्ट्रक्टर हूं और मैंने ये जो प्रकट वचन है ये पत्रस गोत्र के जो प्रधान है उनसे सीखा और हमारे गोत्र के प्रधान ने ये हमारे शिंचन जी के अध्यक्ष से इन वचनों को सीखा और जो भी चीजें वो सीखते हैं उसकी गवाही देते हैं मैं भी आज जो मैंने देखा और सीखा उसकी गवाही बिना जोड़े और घटाई देने की कामना करता हूं आज मैं आपको पाठ चौदह नया दाखरस दृष्टान्त रूपी नया दाखरस, नई मशक और जैतून के तिल के बारे में बताना चाहूंगा तो और जैतून के तिल के मोटा मोटा दो अर्थ हैं। तो चलिए हम उनके बारे में जानते हैं आप देख सकते हैं कि यह भौतिक रूप में भी था जो दाखरस था वो इसराइली लोग विवाह में उसका उ, उसका सेवन करते थे और जैतून का तेल आप देख सकते हैं कि मूसा के तंबू में उस दीवट में डालने डालने के कार्य आता था तो चलिए इस और जैतून का तेल जो भौतिक दाखरस रस और तेल है उससे क्या विशेषताएं हम ले सकते हैं तो चलिए इसके बारे में आज जानते हैं कई पास्टर्स होंगे जो इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे लेकिन शायद कुछ नहीं जानते होंगे तो चलिए आज हम जब इस वचन में आगे बढ़े तो हम सब इसको ध्यान से सुनने पाए तो चलिए मैं इन सभी दृष्टांत रूपी वचनों का सही अर्थ आपको बताता हूं दृष्टांत रूपी दाखरस है नया और प्रकट वचन और नई मशक जो उस नए दाखरस को बनाए रखता है वो नए चरवाहे हैं और नए शिष्य हैं। और दृष्टांत रूपी जैतून का तेल का अर्थ है उस गवाह के गवाही का वचन। तो चलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये सभी चीजें इनका अर्थ ऐसे कैसे निकला सबसे पहले चलिए लू का पांच उसके सैतीस से उनचालीस पढ़ते हैं और कोई नया दाखरस पुरानी मशक में नहीं भरता नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी परंतु नया दाखरस मश्कों में भरना चाहिए कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। जी हाँ, तो मैं इसके एक पृष्ठभूमि को आपको बताऊं यीशु के एक जो चेले थे लेवी जो एक चुंगी थे चुंगी लेने वाले थे वो इशू पर इशू के विश्वासी होने के माध्यम से वो बहुत खुश हो गए थे और इस विवाह भोज में इस भोज में कई लोग भाग लेते थे इस भोज में क्योंकि कई लो, लोगों ने भाग लिया तो कई लोगों ने जो है भोजन का लेन देन किया लेकिन जो फरीसी और जो फरीसी और जो शास्त्री हैं वे इशु को और चेलों को देख कर कहते हैं कि तू उन पापियों और चुंगी लेने के साथ क्यों रहता है तो यीशु ने उनको एक में दृष्टान पांच के सैतीस से उनचालीस का यह दृष्टांत जो है उनको बताया इशु ने दृष्टांतों में कहा कि कोई भी नई दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं भरता अगर ऐसा करता है तो नया दाखरस जो है पुरानी मशकों को फाड़कर बह जाता है तो जो दाखरस है वो भी बह जाएगी और मशकें भी नाश हो जाएंगी और यीशु ने कहा कि नया दाखरस को नई मशकों में भरना जरूरी है और कोई भी पुरानी दाखरस को पीकर ये नहीं चाहता कि वो नए दाखरस को पिए क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है तो यीशु ने ये क्यों कहा आपको क्या लगता है क्या ईशु सच में उस भौतिक दाखरस या मशक के बारे में चिंता कर रहे थे कि उन्होंने ये कहानी बताई उनको या आपको लगता है कि ईशु उनको एक नए दाखरस के बारे में बताना चाहते थे क्योंकि ईशु चाहते थे कि लोग नई दाखरस पिए इसका सही अर्थ जानने के लिए हमें इन सभी दृष्टांत रूपी चीजों दृष्टांत रूपी दाखरस और मशा के बारे में जानने की जरूरत है तो जो भौतिक दाखरस है वो कहां से आता है वो एक दाख लता से आती है है ना इसीलिए हमें उस दाख लता के बारे में जानने की जरूरत है जो कि अंगूर का पेड़ है तो दाख लता अंगूर का पेड़ उसको हमें जानने की जरूरत है क्योंकि उसमें से ये दाखरस निकलता है आप यो पंद्रह के एक में देख सकते हैं यीशु ने कहा कि मैं सच्ची दाख लेता हूँ और आप यशाया पांच के साथ में देखो तो ये लिखा है कि जो दाग की बारी है वे इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। तो इन दो वाक्यों से हम देख सकते हैं कि एक दाखलता का मतलब है एक चरवाहा या फिर चुने हुए लोग तो अगर दाखलता का मतलब है कि चरवाहा या चुने हुए लोग तो दाखलता से क्या निकलता है दाखलता से दाख रस निकलता है है ना तो चलिए उस दाख रस के सही अर्थ के बारे में जानते हैं आप यशा या पचपन उसका एक से तीन पढ़ सकते हैं चलिए एक साथ पढ़ें। आहो सब प्यासी लोगों पानी के पास आओ और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाक मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो मेरी और मन लगाकर सुनो तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतोष हो जाओगे कान लगाओ और मेरे पास आओ सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा हम यशाया पचपन उसके एक से तीन में देख सकते हैं कि परमेश्वर यशाया नबी के द्वारा ये कहते हैं कि जो प्यासे हैं और भूखे हैं उनको वो भोजन वस्तु जो है वो खाने की जरूरत है पीने की जरूरत है बिना रुपए और बिना मोल के उन्हें वो मिलता है क्या आपने कभी भी बिना पैसे के कोई भी खाना या कोई भी चीज खरीदी है आपको क्या लगता है कि ये कौन सी भोजन है आप दो और तीन में भी देख सकते हैं कि कान लगाओ ताकि वे जीवन पाने पाए है ना कान लगाओ और पास आओ ताकि वे जीवित रहे तो यहाँ पे जो भोजन है जो कि जल है जो कि मधु है जो कि दूध है और दाखरस है ये सारी ये सारी सारी चाहे चीजें क्या है ये सारी चीजें भौतिक खाने की चीजें नहीं है लेकिन इनका मतलब है वचन आप देख सकते हैं लोग भौतिक भोजन को अपने मुंह से खाते हैं है ना लेकिन जो आत्मिक भोजन है वो हम अपने कानों से सुनकर उसे खा सकते हैं हम इस आत्मिक भोजन को खाकर अपने आत्मा को जीवन दे सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि उस दृष्टांत रूपी दाखरस का मतलब है कि वचन तो दाखरस का मतलब है वचन और दाखरस आता कहां से है आप ये शाया 25 उसके 6 से 8 में देखो तो ये कहा गया है कि परमेश्वर एक भोज तैयार करते हैं एक विवाह भोज एक पहाड़ पर विवाह भोज तैयार करते हैं और परमेश्वर वहां पे उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाक मधु तैयार करते हैं तो अगर दाक मधु दाक रस ये वचन है तो ये निथरा हुआ दाक मधु क्या है निथरा दाग मधु वो प्रकट वचन है वो नया वचन है जो परमेश्वर उस नियुक्त समय पर देते हैं इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक दाखरस दो प्रकार के होते हैं एक परमेश्वर का दाखरस और एक शैतान का दाखरस परमेश्वर का दाखरस परमेश्वर की दाखरस को आप दो भागों में बांट सकते हैं एक पुरानी दाखरस और एक नई दाखरस और शैतान के दाखरस को क्या कहा जाता है शैतान के दाखरस को व्यभिचार की मदिरा ये कहा जाता है या फिर जंगली दाख दाखरस ये कहा जाता है तो चलिए परमेश्वर की ये जो दो दाखरस है जो कि नया दाखरस है और पुराना दाखरस है इसके बारे में अध्ययन करते हैं जो पुरानी दाखरस है और नई दाखरस है वो दोनों ही पहले आगमन में प्रकट हुई थी चलिए लू का हम सोलह के सोलह में चलते हैं ताकि हम ये समझ नहीं पाए कि ये पुराना दाखरस और नया दाखरस है क्या लुका सोलह के सोलह में आप देख सकते हैं कि जब तक व्यवस्था और भविष्य प्रभाव में थे उस समय तक परमेश्वर के राज्य उस जब तक यह ना आया तब तक व्यवस्था और भविष्य प्रभाव में थे और उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है तो हम देख सकते हैं कि सुसमाचार से पहले जो मूसा की व्यवस्था थी उसका प्रचार किया जाता था तो मूसा का जो व्यवस्था था मूसा की जो व्यवस्था थी वो पुरानी दाखरस है और मूसा की व्यवस्था के बाद स्वर केसु समाचार का जो प्रचार किया जाता है वो नया दाखरस है क्योंकि वो नई शिक्षा नया वचन थी तो इसके अलावा हम यो ना एक उसका सत्रह में देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि जब तक ये आया तब तक व्यवस्था और भविष्यता प्रभाव में थे उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है तो हम देख सकते हैं कि मूसा की व्यवस्था जो बहुत समय तक जिसका प्रचार किया गया वो क्या था वो पुराना दाखरस था और ईशु के माध्यम से जो नया वचन आया वो नया दाखरस था तो पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां थी वो पहले आगमन में के द्वारा प्रकट हुई उनका खुलासा हुआ और उनकी गवाही दी लेकिन ने उस तरह का वचन कभी भी नहीं सुना था जिस तरह का वचन ईशु लेके आए थे तो ईशु का जो वचन है वो क्या है वो एक नई दाखरस हो गई उनके लिए वो एक नई दाखरस थी तो सारांश करने के लिए मैं आपको बता दूं कि पुरानी दाखरस पहले अकबर पर क्या थी मूसा की व्यवस्था और नई दाखरस थी वो नया और प्रकट वचन जो पुराने नियम की पूर्ति के बारे में था लेकिन पुरानी और नई दाखरस ये सिर्फ पहले आगमन तक सीमित नहीं है ये पुरानी और नई दाखरस दूसरे आगमन में भी प्रकट होती हैं। तो चलिए इसके लिए हम लू का बाईस उसके अठारह से बीस को पढ़ सकते हैं इसमें यीशु मसीह ने कहा कि वे उस परमेश्वर के राज्य के आने से पहले उस दाखरस को अब से कभी ना पिएंगे तो सभी लोग तो एक दाख लता से क्या आती है दाक लता से दाक मधु दाक रस आती है, है ना? तो मसीह ने कहा कि इस वचन के बारे में हम उससे दोबारा पीने पाएंगे जब प्रभु का राजा परमेश्वर का राजा आ जाएगा जैसे कि हम प्रभु प्रार्थना में भी कहते हैं है ना? जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो कब जब परमेश्वर का राज्य आए तब तो इस समय पर जब दूसरा आगमन का समय है ये उस समय के बारे में बात करता है तो चलिए मती 26 उसका उनतीस पढ़ते हैं ताकि हम और विस्तार से समझ सके कि ये जो ये जो वचन है ये जो दाखरस है जिसके बारे में हम दूसरे आगमन में पढ़ सकते हैं उसे हम जानते हैं चलिए मती छब्बीस उसका उनतीस पढ़ते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि दाग का यह रस उस दिन तक कभी ना पियूंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊ जी हाँ आपने जैसे मती छब्बीस उसके उनतीस में पढ़ा कि यीशु ने कहा कि वो एक नए दाखरस को पियेंगे और यीशु ने कहा कि ये नया दाखरस जो है परमेश्वर के राज्य में पिया जाएगा और ये नया दाखरस कहाँ से आता है उस दाख लता से आती है है ना तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह उस नए दाखरस के बारे में बात कर रहे थे तो दूसरे आगमन में ये जो नया दाखरस पीने की जरूरत है ये प्रकट वचन है और नया वचन है और बहुत समय से अब तक जो पुरानी दाखरस हम पी रहे थे वो क्या है वो पहले आगमन के समय पर उस स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार के बारे में है जो पुराने नियम की पूर्ति थी तो चलिए अब हम देखते हैं कि सच्ची दाखरस और झूठी दाखरस जंगली दाखरस जो शैतान की है उसके बारे में हम जानने पाते हैं चलिए हम सच्चे दाखलता और सच्चे दाखरस को जानते हैं जो परमेश्वर की ओर से है यीशु मसीह ने अपने आप को सच्ची दाखलता कहा आप यूना पंद्रह का एक देख सकते हैं तो शु मसीह ने अपने आप को सच्ची दाखलता क्यों कही इसका मतलब यह है क्योंकि परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है और ईशु जिनके साथ वो सच्चे परमेश्वर थे तो ईशु भी एक सच्चे चरवाहे थे है ना तो इस सच्चे दाखलता से सच्ची दाखरस निकलती है तो ईशु में से क्या निकला क्या वो भौतिक दाखरस था जो यीशु में से निकला नहीं है ना क्या निकला यीशु में से में से सच्चाई का वचन निकला जिनमें जीवन था और जिसके माध्यम से लोगों की आत्मा को जीव जी, जीवित किया जा सकता था और हम देख सकते हैं कि आदि में परमेश्वर वचन थे और उस वचन में जीवन था ये सही सभी, सभी चीजें हम योना एक उसका एक से चार में देख सकते हैं और हम उत्पत्ति में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन वो जीवन के पेड़ का फल है तो जो पेड़ जीवन के जीवन का फल देता है वो पेड़ सच्ची दाख लता है इसीलिए ईशु मसीह ने योना चौदह के छह में क्या कहा उन्होंने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो जो सच्चाई है वो यीशु के माध्यम से आई थी और वो वचन जो है वो पुराने नियम के सभी भविष्यवाणियों के पूर्ति के वचन थे एक नया वचन था अगर लोग उसे खाते तो लोग जीवन पा सकते थे तो चलिए शैतान के उस दाख रस के बारे में जानते हैं शैतान का दाख रस जो कि बाबुल का दाख रस है जो कि व्यभिचार की मदिरा है आप दानियल चार उसके 20 से 22 में देख सकते हैं कि वहां पे एक राजा था नबुकत नजर जो कि बाबुल जो अन्य जाति बाबुल का राजा था जिस राज्य ने उन इज़राइल के राज्य का नाश कर दिया चुने हुए लोगों का नाश कर दिया उस राजा को एक पेड़ कहा गया है उस राजा को एक जंगली पेड़ कहा गया है तो बाइबल में राजा का मतलब क्या है आप पहला पत्रस दो के नौ में देख सकते हैं कि वहां पे क्या है राज्य और याजकों के बारे में कहा गया है राज्य और याजक राजाएं उन्हें क्या है राज्य और याजक भी कहा जाता है या फिर पास्टर या फिर चरवाहा तो हम देख सकते हैं कि नबोक नजर राजा एक अन्य जाति राजा था और एक जंगली दा, दाखलता से जंगली दाखरस निकलता है तो चलिए इसे समझने के लिए व्यवस्था विवरण 32 उसके 31 से 33 को पढ़ते हैं क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्यायी हो क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और गमोरा की दाखी बारियों में की है उनकी दाक विष भरी है और उनके गुच्छे कड़वे हैं उनकी दाक मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है तो हम व्यवस्था विरण बत्तीस उसके इकतीस से तैतीस में देख सकते हैं कि उन अन्य जाति लताओं से जंगली दाक मधु निकलती है जो विष से भरी हुई है और वो सांपों का कड़वा विष है तो आप खुद सोचो अगर कोई जहर पीता है तो क्या होता है वे मर जाते हैं ना उसी प्रकार उसी प्रकार जो अन्य जातियों द्वारा जो झूठा वचन आता है वो लोगों की आत्माओं को मार डालता है और आप देख सकते हैं कि उत्पत्ति में भी एक भोजन था जिसे परमेश्वर ने कहा था कि वो कदापि ना खाएं ये कौन सा भोजन था ये वो भले और बुरे के पेड़ का फल था तो ये जो दंग, ये जो जंगली दाख लता है और जंगली दाख रस है, ये वो भले और बुरे के पेड़ का फल है जिसे खा कर लोग मर जाते हैं और दानियल की पुस्तक क्या है दानियल की पुस्तक में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं और वो सारी चीजें पहले आगमन में पूरी हुई थी इस के बारे में चलिए मती तेईस उसके तैतीस में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने फरीसी और जो शास्त्री हैं उस समय के जो पास्टर्स थे उनको यीशु मसीह ने कहा कि वे सांप हैं और वे करेते के बच्चे हैं आपने सांपों को तो पहले देखा होगा है ना लेकिन इश, लेकिन जो फरीसी थे जो साधुकी थे वे तो सांप नहीं थे वे तो लोग थे मनुष्य थे उस समय के पास जैसे तो नहीं दिखते थे वो लेकिन हम देख सकते हैं कि उन शास्त्रियों और फरीसियों के मुंह से जो निकलता था वो एक विष था जो लोगों के आत्माओं को मार डालता था इसीलिए उन्हें सांप कहा गया इसके अलावा हम ये इक्यावन के साथ में देख सकते हैं कि बाबुल यहुआ के हाथ में सोने का कटोरा था जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे तो उस सोने के कटोरे में क्या है उस सोने के कटोरे में दाखरस है तो ये जो दाखरस है ये बाबुल का दाखरस है तो आप लोग किस तरह का दाखरस पीना पसंद करेंगे यह भी कहा गया है कि जाते-जाती के लोगों ने उसके दाखमधुम में से पिया और इस कारण वे भी मतवाले या फिर बावले हो गए हैं तो जो लोग मतवाले हो जाते हैं वो स्थिर नहीं रहते ना अपने हृदय में स्थिर नहीं रहते वे अच्छे और बुरे के बीच में भेद नहीं कर सकते हैं जो यहूदी जिन यहूदियों ने उन उन फरीसी और जो शास्त्रियों का वचन सुना वे लोग अपने दिल से जो है अस्थिर हो गए थे इसीलिए वे यीशु को नहीं जानने पाए इशु जो कि परमेश्वर के पुत्र थे उनके सामने सामने आते हुए भी वे उसको नहीं पहचान पाए और उन्हें मार डाला तो हम इतिहास में से भी ये देख सकते हैं लेकिन ये जो जंगली दाखरस, जंगली दाखलता ये जो व्यभिचार की मदरा है ये सिर्फ पहले आगमन में ही नहीं है ये दूसरे आगमन में भी है आप प्रकाशित वाक्य सत्रह में जाओ प्रकाशित वाक्य सत्रह एक से पांच में हम देख सकते हैं कि वहां पे एक औरत है जिसके माथे पर बाबुल लिखा हुआ है और वो औरत एक सोने का कटोरा लिए हुए है और ये औरत जो है एक पशु पर बैठी है जिसके सात सिर और दस सिंह है और जो बहुत सारे पानियों पर बैठी है आपने ऐसी किसी औरत को देखा है जिसका वर्णन यहां किया गया है एक दृष्टांत रूपी औरत कौन है भविष्यवाणी में दृष्टांत रूपी औरत कौन है आप गलातियों चार उसके उन्नीस में जाओ तो प्रेरित पॉलिस ने कहा कि वे जच्चा के समान पीड़ा से गुजर रहे थे वे गर्भ की पीड़ा से गुजर रहे, रहे थे ऐसा उन्होंने कहा आप पहले कुरिंथियो नौ पहले कुरिंथियो तीन उसके दो में भी देख सकते हैं कि पोलुस ने कहा कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया ना कि कठोर भोजन तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं प्रेरित पौलस क्या वे पुरुष थे या फिर औरत थे महिला थी पोलुस एक पुरुष थे है ना मैं भी एक पुरुष हूं लेकिन पुरुष होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि वो गर्भवती की पीड़ा से गुजर रहे थे और लोगों को उन्होंने दूध पिलाया तो इसमें हम देख सकते हैं कि हाँ भौतिक रूप से वो पुरुष थे लेकिन आत्मिक रूप से उन्होंने बहुत सारे जो है बच्चों को जन्म दिया था उन्होंने अपने चरवाहा से क्या है बीज पाकर है ना बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया तो हम ये प्रकाशित 17 में जिस औरत को देखते हैं ये कोई सामान्य औरत नहीं है ये एक वैश्या है एक वैश्या एक ऐसी औरत होती है जो व्यभिचारिन होती है है ना व्यभिचारिन होना यानी कि इस औरत का रिश्ता उस शैतान से था तो ये जो औरत है ये शैतान का पादरी है ना कि परमेश्वर का पादरी और ये भी कहा गया है कि उस औरत के हाथ में सोने का कटोरा था जिसमें व्यभिचार की मदरा थी तो ये जो व्यभिचार की मदरा है ये झूठे सिद्धांत है और टिप्पणियों के सिद्धांत हैं। टिप्पणियां लोगों के खुद के सोच है और खुद की व्याख्या है जो ये करना चाहती है कि वे बाइबल को व्याख्या में बता सके जो बाइबल की व्याख्या दे सके हम जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है यीशु एक ही है एक ही बाइबल है एक ही स्वर्ग है लेकिन परमेश्वर के वचन को समझना बहुत ही मुश्किल है अगर आप टिप्पणियों को देखेंगे तो और ये भी कहा गया कि वो जो वैश्या है वो जो औरत है वो सात से रोदस सिंह पशु पर बैठी थी ये सात सिर और दस सिंह पशु ये विनाशक है जो दूसरे आगमन पर प्रकट होते हैं और ये जो बहुत सारा पानी है जिस पर ये औरत बैठी है वो कौन है वे बहुत सारे लोग भीड़ जातियां और भाषाएं हैं जैसे कि प्रकाशित है सत्रह के पंद्रह में लिखा हुआ है ये जो लोग भीड़ जातियां और भाषाएं ये आज के अलग अलग सिद्धांतों अलग, अलग अलग चर्चों उनको दर्शाते हैं तो ये जो व्यभिचार की मदिरा है इसे जानने के लिए हम प्रकाशित वाक्य अठारह उसके दो से तीन में देख सकते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा शहर है जिसे बाबुल कहा गया और बाबुल जो है वो सभी वही बाबुल जो है वो सभी जो दुष्ट आत्माओं का वो निवास है सभी घृणित पशुओं का निवास है आप पक्षी पक्षी का मतलब देख सकते हैं पक्षी का मतलब आत्मा है 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 ना बाइबल में पक्षी का मतलब आत्मा है। लेकिन बाबुल जो है वो शैतान का राजा है यानी कि ये जो पक्षियां होंगी ये शुद्ध पक्षियां नहीं है ये क्या है ये आ, दुष्ट पक्षियां हैं यानी कि दुष्ट आत्माएं हैं और हम देख सकते हैं कि सभी राष्ट्र इस व्यभिचार की मदरा से भ्रष्ट हो जाते हैं और दुनिया के राजा उसके साथ व्यभिचार करते हैं तो बाबुल का जो व्यभिचार की मदरा है ये क्या है ये झूठे सिद्धांत है और टिप्पणियों के सिद्धांत है जो लोगों के आत्माओं को मार डालते हैं और आप तेईसवे आयत में देख सकते हैं कि बाबुल के उस भोग विलास में सभी राष्ट्र जो है वे मतवाले हो गए हैं और उन्होंने शैतान से विवाह कर लिया है हमारा विवाह यीशु से होना चाहिए है ना लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी राष्ट्रों ने शैतान के साथ विवाह किया क्या हम सभी राष्ट्रों में नहीं आते हैं हम भी आते हैं है ना इसीलिए यीशु ने परमेश्वर ने हमें ये सब इसलिए बताया ताकि हम वो सारी चीजें जान सके जो दूसरे आगमन के समय पर हमें नहीं खाना है नहीं पीना है जो कि व्यभिचार की मदरा है तो मैं आशा करूंगा कि सभी लोग इसे अच्छे से समझने पाए तो चलिए हम हमने जो अब तक पढ़ा है उसको एक बार देखते हैं पहले आगमन के समय पर जो नया दाखस लोगों को पीने की जरूरत थी वो स्वर के सुसमाचार का वचन था जो कि पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति का वचन था उस समय पर पुराना दाखरस भी था जो लोग अब तक पीते आए थे जो कि मूसा की, की व्यवस्था थी और शैतान के व्यभिचार की मदरा जिसे लोगों को नहीं पीना चाहिए था वो क्या था वो उन फरीसी और शास्त्रियों के वचन थे जिन्हें लोगों को नहीं खाना चाहिए था नहीं पीना चाहिए था लेकिन आज हमारे लिए जरूरी है कि हम दूसरे आगमन के बारे में जाने हैं ना तो ये जो नया दाखरस हमें इस समय दूसरे आगमन पर पीने की जरूरत है वो आज नए नियम के पूर्ति के वचन के बारे में है आज प्रकाशित वाक्य आप प्रकाशित वाक्य दस में देख सकते हैं कि एक स्वर्गदूत है जो इस प्रकट वचन को उस खुली पुस्तक को स्वर्ग से लेके आता है तो इस समय पर जो पुरानी दाखरस है वो क्या है वो पहले आगमन की पूर्ति का वचन है जो आज हम सब लोग बहुत समय से पीते आते हैं लेकिन आज जो व्यभिचार की मद्रा है वो क्या है वो शैतान के जो सिद्धांत है झूठे सिद्धांत है और जो टिप्पणियों के सिद्धांत है उनसे हमें दूर रहना है क्योंकि वो शैतान के वो व्यभिचार की मद्रा है तो चलिए आप मशा के बारे में पढ़ते हैं जो इस दाखरस को अपने अंदर रखता है मशक एक ऐसा साधन है जो अलग अलग चीजों से बना होता है जो उस भोजन को समाये रखता है है ना तो इस दृष्टांत रूपी मशक को जानने के लिए चलिए हम प्रेरित नौ के पंद्रह में पढ़ सकते हैं आप प्रेतो नौ के पंद्रह में पढ़ सकते हैं कि ईशु मसीह ने कहा कि ये अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र यानी कि साधन है मसीह ने यह पॉलुस के बारे में कहा साधन है क्या पॉलुस एक भौतिक पात्र थे भौतिक साधन थे नहीं ना हम देख सकते हैं कि हम भोजन और पानी जो है हम उन कटोरों में उन साधनों में रखते हैं उसी प्रकार पॉलुस का दिल जो था वो भी एक का टोरा था जिसमें वचन जो है समा सकता था इसीलिए पॉलुस को एक साधन के रूप में बताया गया तो यानी कि मशक का मतलब है एक व्यक्ति का हृदय और हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के मशक होते हैं एक पुरानी मशक और एक नई मशक ये भौतिक और दृष्टांत रूपी आध्यात्मिक दोनों तरीकों से हम समझ सकते हैं तो चलिए पुरानी और नई मशक के बीच में क्या अंतर है पहले आगमन में इसका सही हम उदाहरण देखते हैं अगर हम उस दाखरस को जब हम मशक में डालते हैं उसका मतलब अगर हम समझ जाएं तो हम मशक के मतलब को भी समझ जाएंगे आप लू का पांच उसके सैतीस से उनचालीस में देख सकते हैं कि पहले आगमन पर जो पुरानी दाखर वो मूसा की व्यवस्था थी और नई दाखरस्ती वो पुरानी नियम के जो भविष्यवाणियों की पूर्ति थी वो वचन था तो जिन लोगों के हृदय में मूसा की व्यवस्था थी पुरानी दाख थी तो वो पुरानी मशक बन जाएंगे है ना तो उस समय पर जो पुरानी मशक थे वे कौन थे उस समय के जो पादरी थे वे थे तो उस समय पर जब पुराने नियम के भविष्यवाणियों के पूर्ति का वचन दिया गया जो कि नया दाखरस था तो जो लोग उस नए वचन को समझ सके वे लोग नए मशक बने पहले आगमन के समय पर नए मशक कौन थे ईशु और उनके चेले ईशु और उनके चेले वे नए मशक बनने पाए और उनके पास वो नया वचन प्रकट वचन था जो पुराने नियम के पूर्ति का वचन था लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने वह अपने पास ही नहीं रखा लेकिन उन लोगों को भी पढ़ाया जिनको ये नहीं पता था अगर उस समय के जो, जो पादरी थे जो कि भ्रष्ट थे अगर वो प्रकट वचन को सुनकर उन्होंने क्या है उस प्रकट वचन को सुना लेकिन वे उस प्रकट वचन को अपनाने नहीं पाए उस प्रकट वचन को अपने दिल में नहीं रखने पाए इसीलिए उनकी मशके भी फट गई और नया दाखरस भी बेकार हो गया लेकिन और चेले उस समय पहले आगमन पर वे ही केवल नए मशक नहीं थे आप देख सकते हैं कि पॉलुस भी एक नया मशक था आप फिलिपियो उसके तीन उसके चार से नौ में देख सकते हैं कि पॉलुस जो था पॉलुस सभी चीजों में धार्मिक था और और पॉलुस जो था वो व्यवस्था के मामले में निर्दोष था और वो कलीसिया को बहुत ही धुन के साथ बहुत ही धुन में बहुत ही जोश के साथ सताता था लेकिन दमस्कस की ओर जाते हुए जब पॉलुस ने ईशु के वचन को नए वचन को पाया तो पॉलुस ने क्या कहा पोलस ने उस वचन को जो अब तक वो बनाए अब तक वो समझ वो जिसे समझता था कि वो सही है जिसे वो अपने अंदर समाये हुए था उसे पॉलुस ने कहा कि वो कूड़ा समान है जो मूसा की व्यवस्था थी उसे उसने कूड़ा समान समझा तो पॉलुस ने उस पुराने वचन को छोड़ उस नए वचन को अपनाया जो कि प्रकट वचन था जो कि नई दाखरस थी उसे उसने अपनाया तो इस माध्यम से पॉलुस जो है पुरानी मशक से नई मशक बनने पाया तो हम देख सकते हैं कि इस समय जो आप वचन सुनते हैं क्या पुरानी दाखरस है या नई दाखरस है आप खुद सोच सकते हैं अगर ये नई दाखरस है जो आप सुनते हैं तो आपसे हम विनती करते हैं कि आप भी क्या है नए मशक बनने पाए ताकि हम इस नए दाखरस को अपने दिल में समाने पाए हम देख सकते हैं कि दूसरे आगमन में भी ये नई और पुरानी मशक प्रकट होती हैं आप प्रकाशित वाक्य दस उसके एक से दो में देख सकते हैं कि एक शक्तिशाली स्वर्गदूत जो है वो एक खुली पुस्तक लेकर स्वर्ग से नीचे आता है तो ये खुली पुस्तक है यानी कि ये क्या है ये प्रकट वचन है है ना तो ये जो प्रकट वचन है ये नई दाखरस है और एक व्यक्ति प्रकट होता है जो इस खुली पुस्तक को पाता है और उसे खाता है तो आप आठ से दस में देख सकते हैं कि योहन्ना है जिसे ये पुस्तक मिली और उसने उस रर्दू से ये पुस्तक लेकर खाई तो ये योहन्ना है ये नई मशक बन जाता होगा है ना जिसे ये प्रकट वचन मिला नया वचन मिला जो कि नई दाखरस थी लेकिन ये वचन जो है हमारे अंदर ही नहीं रखना है लेकिन इन वचनों को कब कहां तक पहुंचाने की जरूरत है उन लोगों को जिन्होंने इस वचन के बारे में नहीं सुना है आप ग्यारह में देख सकते हैं कि योना से क्या कहा गया योना से कहा गया कि बहुत सारे लोगों जातियों भाषाओं और राजाओं के विषय में उसे फिर भविष्यवाणी करनी होगी तो अगर ये सभी लोग भाषा जाति और राजा इस पुस्तक इस वचन को ग्रहण करने पाएंगे तो वे भी नई मशक बनने पाएंगे है ना नई मशक के बारे में क्या कहा गया है नई मशक के बारे में आप प्रकाशित पांच उसके नौ से दस में देखो तो वहां पर क्या है लोग एक नए गीत गा रहे हैं वो जो नया गीत है वो किस बारे में है वो उन राज्य और याजकों के बारे में है जिन लोगों को ईशु के लहू से मोल लिया गया और राज्य और याजक बनाया गया ईशू के लहू का क्या अर्थ है आप लोग 22 में देख सकते हैं कि जब ईशु फसे के भोजन को मना रहे थे तो उन्होंने उस कटोरे को क्या कहा जिसमें दाखरस भरा होता उस कटोरे को उस दाखरस को यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो नई वाचा है तो परिणाम स्वरूप ईशु का जो लहू है वो नया दाखरस है और जो लोग इस नए दाखरस को पीते हैं जो कि बहुत सारे लोगों और जातियों और भाषाओं में से बाहर आते हैं वे वे लोग परमेश्वर के और याजक बन जाते हैं तो चलिए हम दूसरे आगमन में जो पुरानी और नई मशक है उसके बारे में जानते हैं तो ये जो दाक रस है ये दाक ये मशक के अंदर जाता है है ना तो इसे समझकर हम आज जान सकते हैं कि पुरानी दाखरस इस समय दूसरे आगमन पर पुरानी दाखरस क्या है इस समय पर पुरानी दाखरस वो पहले आगमन की पूर्ति का वचन है लेकिन आज का दूसरे आगमन का जो नया दाखरस है वो आज नए नियम के पूर्ति के वचन है आज नए नियम और प्रकाशित के पूर्ति के वचन है तो पुरानी मशके कौन है आज पुराने मश्के वे पादरी वे पास्टर्स और वे चरवाहे हैं जो परंपरा पर स्थिर हैं और जो पुराने हैं, लेकिन आज के समय पर जो नए मशक कौन हो सकते हैं वे नया और वे नए राज्य हैं जो उस बारह गोत्र से संबंधित हैं। तो आज जो नया योना है वे वादा के वाचा के पादरी हैं और आज बारह गोत्रों के जो याजक हैं वे आज नए मशक बनने पाते हैं लेकिन ये वचन आज अपने अंदर ही नहीं रखना है लेकिन आज हमें लोगों तक ये वचन पहुंचाने की जरूरत है तो आज जो पहले से बने हुए पादरी हैं, वे लोग इस प्रकट वचन को सुनते हैं और उससे समा नहीं सकते उससे अपना नहीं सकते तो उनका मशक जो है क्योंकि वो पुरानी मशक है वो फट जाते हैं और ये नई वचन जो है वो बह जाती है तो चलिए मशकों के बारे में आज अच्छे से जानते हैं पहले आगमन पर जो नई मशक थी वो यीशु मसीह थे और उनके चेले थे लेकिन पुरानी मशक कौन थे पुरानी मशक उस समय के जो पादरी थे जो पुराने दाखरस को समाये हुए थे वे लोग थे आज हमें दूसरे आगमन के बारे में जानने की जरूरत है कि आज नई मशक और पुरानी मशक कौन है आज नई मशक वो वाचा के पादरी हैं और बारह गोत्र के वे राज्य हैं लेकिन पुराने मशक कौन है पुरानी मशक आज के जो परंपरा के जो चर्चे हैं उनके जो पादरी हैं वे पुरानी मशक हैं तो अब तक हमने दाखरस और उस मशक के बारे में जाना जहां दाखरस को डाला जाता है तो चलिए अब जैतून का तेल पढ़ते हैं जैतून के तेल को पढ़ने के लिए प्रकाशित वाक्य छह उसका छ पढ़ते हैं और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना दीनार का सिर भर गेहूं और दीनार का तीन सिर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना तो जी हाँ हम हा, प्रकाशित वाक्य छह के छह में देख सकते हैं कि चार जीवित प्राणी ये प्रकट होते हैं ये चार जीवित प्राणी कौन है ये चार जीवित प्राणी वे चार स्वर्गदूत हैं जो न्याय का कार्य करते हैं निर्णय का कार्य करते हैं वे दंड और न्याय का कार्य करते हैं और प्रकाशित वाक्य छह है इसकी गवाही देता है वहां पे लिखा हुआ है कि तेल और दाखरस की हानि ना करना ये लिखा है और क्योंकि हम स के बारे में पहले से ही जान चुके हैं तो अब हम तेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इस समय पर जो तेल है तेल कहां से निकलता है वो जैतून से निकलता है ना तो जैतून कहां से निकलता है जैतून के पेड़ है आप ले व्यवस्था चौबीस उसके दो में देख सकते हैं कि इस तेल का क्या अर्थ है और तेल का उपयोग क्या है आप ले व्यवस्था चौबीस में देख सकते हैं कि मूसा के समय पर अंधकार में उस तंबू के मंदिर में क्या था उस मंदिर में एक दीवट थी और उस दीवट को उस अंधकार में रोशनी लाने के लिए उस दीवट का इस्तेमाल किया जाता था और उस दीवट में ये जैतून का तेल डाला जाता था और आप जकारिया में भी देख सकते हैं जकारिया ने भी एक दर्शन देखा जकारिया ने जो दर्शन देखा उसमें उन्होंने ये सात सोने के दीवट देखे और जकारिया ने उस स्वर्गदूत से उसका अर्थ पूछा तो स्वर्गदूत ने कहा कि ये जो सात दीवट हैं ये सात सोने के दीवट हैं ये प्रभु परमेश्वर के क्या है सात आंखें हैं बाइबल में आंखों का मतलब है आत्माएं तो ये जो पृथ्वी पर जो मूसा ने सात दीवटों को बनाया वो स्वर्ग में जो सात आत्माएं हैं उनका प्रतिरूप बनाया और आप उसके चार के ग्यारह से चौदह में भी देख सकते हैं कि जकारिया ने जो दर्शन देखा उसमें सात के अगल बगल दो जैतून के पेड़ भी थे उस सोने के दीवटों के दाहिने और बाईं और दो जैतून के पेड़ थे तो जकारिया ने फिर स्वर्गदूत से पूछा इन जैतून के पेड़ का क्या अर्थ है तो स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि वे दो जैतून के पेड़ दो गवाह है जिनको चुना गया है जिनका अभिषेक किया गया है यानी कि उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए चुना गया होगा है ना तो चलिए कुछ और वाक्य पढ़ते हैं ताकि हम उस जैतून के पेड़ को और जैतून के तेल को समझने पाए इसको और विस्तार से जानने के लिए चलिए हम प्रकाशित वाक्य 11 में चल सकते हैं प्रकाशित ग्यारह उसके तीन से चार में हम देख सकते हैं कि जो दो गवाह हैं प्रकाशित ग्यारह में दो गवाह हैं उन दो गवाहों को दो जैतून के पेड़ कहा गया और दो जैतून के पेड़ से क्या निकलता है जैतून के पेड़ से जैतून का तेल निकलता है तो इन दो गवाहों से क्या निकलेगा फिर गवाह क्या देंगे गवाह क्या जैतून का तेल देंगे नहीं है ना वे गवाह हैं तो उनके मुंह से जो वचन निकलता है वो गवाही का वचन निकलेगा है ना ये गवाही का वचन ये जैतून का तेल है तो इन्हें दो गवाह क्यों कहा गया तो हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक दस में क्या कहा गया प्रकाशित वाक्या दस में एक स्वर्गदूत है जो उस छोटी खुली पुस्तक को स्वर्ग से नीचे लेके आता है और उसे एक व्यक्ति को देता है और यो है जो उसे खाते हैं और हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य ग्यारह में योहन्ना के साथ एक उसका सहायक दिया गया योहन्ना को एक सहायक दिया गया वे दो लोग हैं जिसे दो गवा कहा गया है तो हम देख सकते हैं कि ये जो दो गवा हैं वो एक साथ कार्य करते हैं लेकिन ये दो गवा हमेशा के लिए एक साथ नहीं बने रहते हैं क्योंकि प्रकाशित वाक्य बाइस के आठ में हम देख सकते हैं कि एक ही एकमात्र योहना ही है जिन्होंने ये सारी चीजें देखी और सुनी है तो ये जो चीजें हैं जो योना देखता है और सुनता है ये क्या है ये प्रकाशित वाक्य के सभी घटनाओं के बारे में है तो हम देख सकते हैं कि केवल युहना ही है जो प्रकाशित वाक्य के सभी घटनाओं को देखता है सुनता है उसकी गवाही देता है के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं केवल एकमात्र है और प्रकाशित सोलह में भी आप देख सकते हैं कि ने ने कहा कि मुझ ने अपने दूध को तुम कलिश के लिए ये भेजा है कि यीशु ने सभी कलिसियाओं के लिए इस दूध को भेजा और हम प्रकाशित वाक बाईस का सोलह और प्रकाशित वाकया बाईस का आठ इन दोनों की हम तुलना करें तो ये दो व्यक्ति एक ही है तो चलिए इस जैतून के तेल के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा और विस्तार में हम जाने ये जैतून का तेल हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए चाहिए आप मती पच्चीस उसके एक से, से तेरह पढ़ो मती पच्चीस उसका एक से तेरह में यीशु मसीह ने उन दस गुवार का दृष्टांत बताया कि दूसरे आगमन पर किस तरह का कार्य होगा तो इस दृष्टांत में मती पच्चीस के एक से तेरह में हम देख सकते हैं कि ये जो मती पच्चीस है ये मती चौबीस के बाद आता है मती चौबीस किसके बारे में है ये दूसरे आगमन के बारे में है ना तो उसी को जारी रखते हुए उसी अध्याय को जारी रखते हुए मती पच्चीस भी दूसरे आगमन के बारे में है और हम इस दृष्टांत में देख सकते हैं कि दस कुमारियां जो है वे ईशु का है ना उस दूल्हे का इंतजार कर रही थी लेकिन वे सभी कुवारियां एक ही तरह बर्ताव नहीं करती हैं जब वे दूल्हे का इंतजार करती हैं तो सभी एक ही तरह के कार्य नहीं करते हैं जो बुद्धिमान थी उनके पास दीपक था मशाली थी और उनके पास पर्याप्त मात्रा में तेल था इसीलिए वो यीशु का इंतजार करने पाई और उसे आ, उसके साथ आ, उस विवाह भोज में जाने पाए लेकिन जो आलसी थी या लापरवाह कुवारिया थी, उनके पास मशाली तो थी लेकिन उनके पास तेल पर्याप्त मात्रा में नहीं था तो ईश का इंतजार करते, करते तेल हो जाते हैं। तो जब उनके तेल खत्म हो गए तो वे उन बुद्धिमान जो कुआरिया हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम अपने तेल में से हमें कुछ दो लेकिन जो बुद्धिमान लेकिन जो बुद्धिमान कुवारिया हैं वो कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए पर्याप्त मात्रा में ना होगा तो तुम उन लोगों से जाके ये खरीदो जो तेल बेचते हैं लेकिन जब वो लापरवाह तेल लेने के लिए जाती हैं तब जो दुल्हा है वो आ जाता है और विवाह भोज में उन जो बुद्धिमान कुवारिया हैं उनके साथ प्रवेश करता है और उनके प्रवेश करने के बाद द्वार जो है बंद कर दिया जाता है तो हम देख सकते हैं कि परिणाम में बहुत फर्क है, है ना ये परिणाम में जो फर्क है यह कहां से होता है यह उस तेल की वजह से होता है अगर कोई पर्याप्त मात्रा में तेल तैयार करता है या नहीं करता है उस बात पर निर्भर करता है कि आप उस विवाह भोज में जाने पाएंगे या नहीं क्या आपने इस तेल को पर्याप्त मात्रा में बनाया है ये तेल क्या है क्या यह उस भौतिक तेल के बारे में बात करता है तो चलिए तेल के बारे में जानने के लिए हम दीपक के बारे में मशाल के बारे में पहले जाने आप भजन संहिता एक सौ एक जो है वो दीपक है है ना ये कहा गया है कि तेरा वचन मेरे पाओ के लिए दीपक है और मेरे मार के लिए उजाला है तो परमेश्वर का वचन जो है वो दीपक है और दूसरा पत्रस उसका एक से उन्नीस में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो भविष्य दिखता का वचन है वह इस घटना से दृढ़ है, है और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारा जो अंध्यारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे तो हम देख सकते हैं कि ये जो वचन है वो दीपक है लेकिन दीपक को जलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है है ना बिना तेल के दीपक जो है नहीं जल सकता है तो ये, तेल जो है ये गवाही का वचन है तो ये जो गवाही का वचन है जो कि जैतून का तेल है वो उन गवाही का वचन है जो हमें उन लोगों से मिलता है जो लोग ये सारी चीजें देखते हैं और सुनते हैं और गवाही देते हैं उसके माध्यम से हमारे मार्ग का जो है उजाला हो सकता है तो जब हमें गवाही का वचन प्रकाशित वाक्य के गवाही का वचन मिलता है भविष्यवाणियों के पूर्ति के वास्तविक अस्तित्व का वचन मिलता है तब हम अपने मार्ग को उजाला कर उस स्वर के राज्य को ढूंढ सकते हैं वहां पहुंच सकते हैं ये आज हमें जानने की जरूरत है जो लापरवाह कुआरिया थी वो उन बुद्धिमान कुआरियों से कहती है कि तुम अपने तेल में से हमें कुछ दो लेकिन जो बुद्धिमान कुआरिया है वो कहती है कि तुम उनसे जाके तेल लो जो बेचते हैं तो कौन है जो तेल बेच रहा है और कहा बिक रहा है ये तेल अगर ये भौतिक तेल होता तो शायद ये कहीं पेट्रोल पंप में होता है ना जहां हम जाकर पेट्रोल भरवा सकते तेल भरवा सकते लेकिन यीशु मसीह ने ये हमें किसी पेट्रोल पंप में भेजने के लिए नहीं कहा है लेकिन जो तेल भेजता है जो तेल भेजता है वो क्या है ईशु का गवाह है तो हम आशा करते हैं कि हम सब लोग उस यीशु के गवाह से मिले और उस तेल को पर्याप्त मात्रा में बनाने पाए ताकि हम सब लोग परमेश्वर के संतान बनने पाए जो उस यीशु का जो दुल्हा है उसका इंतजार कर उसका स्वागत करने पाए तो चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उसका एक सारांश करते हैं तो आज के समय पर दूसरे आगमन के समय पर जो नई दाखरस है वो आज का नए नियम के पूर्ति का नए नियम के भविष्यवाणी के पूर्ति का वचन है और नई मशक वो नए चरवाहे हैं नया नयाना और उस बारह गोत्रों के याजक तो मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग उस पुरानी दाखरस को फेंक, नई मशक के बजाय उस आ, उस पुरानी दाखरस को फेंक, पुरानी मशक के बजाय नई मशक बनने पाए और इस समय हमें उस व्यभिचार की मदरा को नहीं पीना है और हम जैसे कि आज जानते हैं कि गवाही का वचन जो है वो जैतून का तेल है तो हम आशा करते हैं कि सभी लोग आज प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय ये जो वचन दिया जाता है तो हम सब उस गवाह से मिलने पाए पर्याप्त मात्रा में तेल बनाने पाए और जब प्रभु लौटते हैं तो उनका स्वागत करने पाए उन बुद्धिमान कुआरियों की तरह हमें आज ये जानने की जरूरत है कि स्वर्ग के भेद जो है वो दृष्टान्तों में बताए गए हैं हमें इन दृष्टान्तों के बारे में जानने की जरूरत है ताकि हम स्वर्ग के राज्य में पहुंचने पाए आज हम सभी दृष्टांतों का सही अर्थ और उसकी गवाही देख सकते हैं गवाही दे सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास जो वाचा के चरवाहा है जो सही अर्थ देते हैं जो ये जैतून का तेल देते हैं वो आज हमारे साथ हैं। तो हम आशा करते हैं कि सभी लोग इस जैतून के तेल को पाने पाए अगली बार परमेश्वर के इस वचन का प्रचार करने के लिए मुझसे भी ज्यादा और योग्य इंस्ट्रक्टर आपको वचन देंगे तो मैं आशा करता हूं अगली बार भी आप लोग हमारे साथ जुड़ने पाएंगे हम सब लोग परमेश्वर और ईश्वर में एक हैं वी आर वन तो चलिए वचन का हम यहाँ प्रार्थना के साथ अंत करते हैं हे परमेश्वर पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के माध्यम से आज आपने हमें ये सेमिनार जो कि स्वर के दृष्टांतों के स्वर के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थ की गवाही है इस सेमिनार को आयोजित करने का मौका दिया और बहुत सारे तेरे जो परिवार है उनको यहाँ बुलाया तो जितने लोग यहाँ आए हैं उनके दिलों पर तुशासन कर आज हमने पाठ चौदह जो कि नया दाखरस, रस नए मशक और जैतून के तिल के बारे में आज हमने अध्ययन किया तो हम विनती करते हैं कि तेरे वचन हमारे लिए वो मार्ग बने हमारा मार्गदर्शन करे ताकि हम में भी वो नई दाखरस हो हम भी नए मशक बनने पाए और हम में वो जैतून का तेल तू भर जो कि वो गवाही का वचन है जो उस गवाह के माध्यम से आता है ताकि हम सभी उस जैतून उस विवाह भोज में जा सके हम इन सभी सेमिनार्स के माध्यम से इन दृष्टांतों के बारे में जान सके और उनकी वास्तविकता भी जान सके तो हम सबको वो दिल दे ताकि हम अगली बार भी मिले और मैं हम आपसे विनती करते हैं कि हमें तू भौतिक और आत्मिक रूप से संभाले रख ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमिन। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो भविष्यवाणी में हम देख सकते हैं कि आत्मिक पहाड़ है आत्मिक पत्थर है और आत्मिक मूर्ति है इन सभी का उदाहरण लिया गया है लेकिन इनका सही अर्थ क्या है हमें किस पहाड़ पर जाने की जरूरत है हमें उस उद्धार के पहाड़ पर जाने की जरूरत है है ना? क्या आप क्या आप में जिज्ञासा नहीं है कि ये उद्धार का पहाड़ कहां है जिस जिस पर यीशु ने हमें जाने को कहा तो ये व्यक्ति कौन है जो जय पाता है जिसे ये सफेद पत्थर मिलता है तो आपने पाठ चौदाह अभी पढ़ा जो कि नए मशक और जैतून के तेल के बारे में था और ये सेमिनार जो की स्वर के भेदों के गवाही है ये हम पूरी दुनिया में इसका प्रचार करते हैं और इस आ, सेमिनार को सुनकर बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे मंडली के सदस्य जो इसे सुनते हैं वो हमारे साथ एक होने की कामना करते हैं हम सब लोग एक ही बाइबल पढ़ते हैं एक ही परमेश्वर को हम मानता है मानते हैं चाहे हम अलग अलग देश से क्यों ना हो अलग अलग हमारे नस्ल हो लेकिन हम सब परमेश्वर के वचन में एक हैं, और हम सब विश्वास करते हैं कि वचन एक है बाइबल एक है परमेश्वर एक है हम सब उस स्वर के राज्य में रहना चाहते हैं जहां स्वतंत्रता है शांति है और प्रेम है जहां परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं तो हम आज जी ये सच्चाई का वचन पूरी दुनिया के साथ आज साझा करना चाहते हैं आज इस वचन को सुनकर बहुत सारे पादरी और बहुत सारे थियोलॉजी स्कूल्स इस वचन के साथ एक होने के लिए सिंचंद जी के साथ समझौता ज्ञापन बनाते हैं ताकि हम इस वचन का प्रचार और लोगों तक कर सकें छिंचंद जी उन सभी के लिए खुला है जो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो इन वचनों को सुनकर बहुत सारे पास्टर्स आज हमारे साथ समझौता ज्ञापन बनाना चाहते हैं और अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं मैं आप सभी से जो आज यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हम आशा करते हैं कि इस सेमिनार की श्रृंखला को आप अगली बार भी जुड़ने पाएंगे और इसे हम जारी रखने पाएंगे तो हम आज के सेमिनार का हम प्रभु प्रार्थना से अंत करते हैं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में नाला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरे ही हैं आमिन तो आज आप सभी को परमेश्वर के परिवार यहाँ हम सब के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद